हेलो 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 सो हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोलो मॉर्निंग अच्छे से बोलो सो चलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज की ब्लॉग को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज तो सुबह सुबह देखो मैं कहाँ बिजी हो गए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे फ्लड इफेक्टेड के लिए सारे को रिलीफ वगैरह मिल रही है कुछ NGOs वगैरह से। तो उसी का मतलब ऐसे हर एक एक गांव में सबको मतलब जैसे कमिटी बना के उसमें डिटेल्स वगैरह देनी होती है, तो इसके लिए सारे फॉर्म्स वगैरह फिलअप करनी पड़ती है। तो वही काम मुझे भी दिया गया है करने के लिए NGO की तरफ से कि मेरे गांव में जितने लोग इफेक्टेड हुआ है वो सबको फॉर्म फिलअप करके तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है। तो यही काम पे बिजी हो गई हूँ आज, और उसके बाद में पहले तो ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद में आज तो कहाँ जाना है। ये लोग शॉपिंग करने जाएंगे, आज मंडे है, वीकली मार्केट होते हैं फुलप्रेम में, तो वही 12 बजे के बाद में हम जाएंगे। ये जाएगी इसकी बहन विषया समीना सारे मिल के आज जाएंगे बाजार में। तो फिलहाल तो ये काम कर लेते हैं, इतना सारे को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे फिलअप करके देने हैं 12 बजे से पहले, उसके बाद में हम जाएंगे मार्केट। आज तो वाह वाह क्रिसमस शॉपिंग करने जाएंगे, वाह वाह। तो चलो पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से। नहीं वो ताल दे भी सोंगे क्रिसमस ना शॉपिंग करने जाना मिलना, वाह वाह वाह। घर के अंदर ना बहुत ठंड लगती है आजकल, तो इसीलिए बाहर में ही एक मैट बिछा के फिर ये छोटा सा टेबल लेके बाहर में ही हम काम करें, क्योंकि अंदर ठंड लगती है और यहाँ पे थोड़ा धूप भी मिलती है ना तो अच्छा लगता है थोड़ा, इसीलिए। तो क्रिश्चियन मेरे को हेल्प कर रही है और है मेरी बहन, वो भी आएगी थोड़ी देर में। फिलहाल मैं अकेले करती हूँ। झंझट होती है ना, मतलब एक फॉर्म फिलअप करो फिर उसका और डिटेल्स डालो डॉक्यूमेंट्स अलग, फिर पिन मारो, फिर एक फॉर्म में फिलअप करो फिर उसका डॉक्यूमेंट्स डालो, इतने सारा देखो ऐसे ऐसे करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट करके, फिर उसमें एक साथ स्टेपलर लगा के फिर करना पड़ता है बहुत सारे फॉर्म से ऐसे। सारे शॉपिंग करने जा रहे हैं मुझे छोड़ के, तो ये लोग गई क्रिसमस शॉपिंग करने, हम रह गए। सही ठंड रहे हैं, बद गई थी सी तो नहीं बचो, देखो बदमाश लोग कैसे सो रहे दोनों। ओए ओए ब्रोनो ब्रोनो ए ब्रोनो इस सी। सो सुबह से वो जो काम कर रहे थे कुछ NGO की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखना वगैरह वो सब हो गया, तो उसके बाद में थोड़ा मीटिंग वगैरह भी होता, उस वक्त मैंने शूट नहीं किया क्योंकि उसमें बिजी थे ना कुछ बड़े सार लोग NGO वाले लोग आए थे, तो इसलिए मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया। तो अभी उस प्रेस वगैरह हो गया खाना वगैरह करके थोड़ा फिर से सिलाई के काम पर लग जाते हो, बहुत सारी सिलाई करनी है, मतलब है बहुत सारी सिलाई करने के, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ 2-3-4 बेडशीट है जो शायद मैं काट किया ना उसको सिलाई करने, वो भी लाया है, तो ये सिलाई करूँगी कर रही हूँ। उसके बाद में फिर कपड़े वगैरह सिलाई करके मैं जाऊँगी बीनू के वहाँ पे, उसका भी कुछ बेडशीट है वो छोड़ के देखे आनी है बीनू को भी। अब पता नहीं मुझे थोड़ा जुकाम जैसे लग रही है, मेरा नाक बन बन बने सो रहे। तो ये सारी देखो कि इतना सारा ये सारी सिलाई करनी है, इसमें 2 और इसमें 2-4 इतना बड़े 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 डबल बेडशीट वाले है ना, बहुत लंबा पड़ा होती है। तो यह सिलाई करके मैं चलती हूँ थोड़ा शाम की तरफ बाज़ार, बाज़ार मतलब पीनू को छोड़ के देखे आनी है इसके सामान। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। कहीं मी मी कर रहे है, ये देखो कुकू भी अभी दिख जाओ खोड़ी, ओए ओए नहीं 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 आज आज ले ले आजा, ओए ओ आजा, बस 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 चलो आजा चल। सो हम जा रहे हैं अभी बीनू के घर, मतलब दुकान तक जाएंगे बीनू के पार्लर तक, तो साथ में क्रिश्चिया को लेके जा रहे हैं। ये लोग मुझे छोड़ के आज मार्केट जाके आगे मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाई आज मार्केट लोग के साथ, और जो सामान लेके गए इसको लेने के लिए। तो
निकलते, देखो शाम होने लगे, धूप सूरज डूब गया तो अंधेरा अंधेरा होने लगा। बस अभी 4:30 बजे, 5 भी नहीं बजा तब भी इतना अंधेरा हो रखी है, तो जल्दी से जाके जल्दी आ जानी है। आते आते अंधेरा हो गया। देखो बस हमने तो वहाँ पे 20 मिनट इतना ही टाइम वेस्ट की थी, फिर भी इतना अंधेरा हो गया। देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, और अभी स्ट्रीट लाइट भी ख़राब हो गया है, बहुत दूर दूर में है स्ट्रीट लाइट भी, तो इसलिए देख नहीं पा रहे, अंधेरा। बेचारा पानी पूरी गोलगप्पे खाने थे, नहीं मिला बंद था वो गोलगप्पे वाले दुपहिया, तो इसलिए गोलगप्पे नहीं खिला पाई क्रिस्टिया को। अंधेरा हो गया, देखो बहुत जैसे लग रही है, तो अभी जल्दी से फटाफट जाके फिर से हम, मेरे काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोसरी। सो ये मेरी आंटी मौसी के कपड़े क्रिसमस के लिए रेडी हो चुकी, मेरे धागा वगैरह डिजाइन करके बना दिए, तो कल रेडी हो गया, तो क्रिसमस के लिए कपड़े ले लिए, यही तो हो गया क्रिसमस के कपड़े। सो बिनू की दुकान से आके फिर से खाना वाना बना के, मैं अपने काम पे थोड़ा लग गई थी ये धागा वगैरह बनने के लिए, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो ये बनाते वक्त मैंने कोई शूट वगैरह नहीं किया, तो ये अभी कंप्लीट हो चुकी है, तो कल ये लेने आएंगे तो कल दे देंगे। तो इसको बनाने में बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं, इसमें अलग अलग रंगों के धागा देने पड़ते हैं और इसे डिजाइन करके बांधना होती है। तो ये हमारी ट्रेडिशनल वाले की चुरनी दुपट्टा है, तो ये ख़त्म कर लिया, तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को भी यही एंड करती हूँ। तो बहुत सारी है कल भी ये सब धागा वगैरह बांधने के लिए, तो इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, तो मिलते कल फिर सबको, तो आज के सबको बाय बाय, गुड नाइट।